कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में कोरोना वायरस से संक्रमित 16 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि ईरान के सभी शहरों में कोरोना फैल चुका है। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब ये रहस्यमय वायरस चीन से बाहर अपने पांव पसारने लगा है। ईरान के अलावा इटली और साउथ कोरिया में भी इस वायरस से 12-12 लोगों की मौत हो चुकी है और ये सभी मौतें पिछले 2 दिनों में हुई हैं। वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए कोरिया सरकार ने देश भर में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। वहीं कोरिया की सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए कहा है कि अब हर जोर कोशिश की जाएगी कि बाहर की कंट्री से अब कोई भी इन्फेक्टेड लोग कोरिया में ना आ सके। उनका इशारा चाइना की तरफ है। आप सभी बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कैसे पड़ा। अच्छी खबर ये है कि चीन में कोरोना वायरस के नए केसेस में अब काफी कमी आने लगी है, लेकिन अब बाकी की एशियन कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, ईरान और जापान में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 ही दिनों में कोरिया में वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 150 से बढ़कर 1140 हो गई है। वहीं जापान में 852, इटली में 323 और ईरान में 95 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वायरस के फैलते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने 4 नए देश नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया से आने वाले सभी पैसेंजर्स को स्क्रीन करने के आदेश दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी इंडियन पैसेंजर को कोरोना वायरस के सिम्टम्स मिले तो 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा और फॉरेन नेशनल्स को अपनी कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले सभी पैसेंजर्स को तो पहले से ही स्क्रीन किया जा रहा था। साथ ही भारत सरकार ने सभी सिटीजन्स को ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है कि सिंगापुर में नॉन एसेंशियल ट्रैवल करने से बचिए। मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई बेहद ज़रूरी काम हो, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग एटसेट्रा, सिंगापुर ट्रैवल मत कीजिए। ये एडवाइजरी इसलिए भी जारी की है क्योंकि भारत से सिंगापुर बहुत से लोग घूमने के लिए जाते हैं। भारत सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती, कोई ढील नहीं बरतना चाहती, क्योंकि पता है इंडिया में अगर ये फैल गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है टाइम रहते सभी एहतियात कदम उठाए जाएं। आइए सुनते हैं हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का क्या कहना है भारत की कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर। कोरोना वायरस के संदर्भ में भारत सरकार ने सारे दुनिया में सबसे पहले एक्शन लेना शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी जब उसने कहा कि ये इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, उसके भी 2 हफ्ता पहले हमने काम शुरू कर दिया था। और देश के अंदर आज 4 लाख से ऊपर तो हम पैसेंजर्स को जो चाइना से आ रहे हैं उनको सारे अपने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीन कर चुके हैं। 645 जो बच्चों को वहाँ से लेके आए उनको भी यहाँ क्वारंटाइन में रख के उनको भी डिस्चार्ज कर चुके हैं। 3 जो पॉजिटिव केसेस आए उनको भी ठीक करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। हमने पर्याप्त प्रयास पहले दिन से किए, उसका नतीजा यह है कि 135 करोड़ के देश में केवल 3 पॉजिटिव केस आए, वो भी ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैं देशवासियों को केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप प्रिकॉशंस की दृष्टि से अभी पूरी तरह से सतर्क रहें। अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज हमने इस तरह की दी हैं, बाहर से आने वालों के लिए ई वीज़ा सारी चीज़ें हमने कैंसिल कर दी हैं। बहुत जल्दी जो जापान के अंदर शिप के ऊपर लोग हैं उनका क्वारंटाइन पूरा होने के बाद उनको भी भारत में लाएंगे, तो भारत के लोग जो है वो निश्चिंत रहें। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो अफवाहें फैलती हैं, ये आजकल जो व्हाट्सएप के ऊपर जो कहते हैं वायरल हो गया, वायरल ये खबर वायरल हो गई है, तो हर एक खबर जो वायरल होती है वो सच नहीं होती है। उनमें से बहुत सारी जो खबरें होती है वो बिना तर्क के होती है। अब जान लेते हैं कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कैसे पड़ा। आपको पता ही होगा कोरोना वायरस किसी एक पर्टिकुलर वायरस नहीं बल्कि सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे वायरसेस की फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक वायरस है। अब साइंटिस्ट ने इसका नाम बदलकर कोविड-19 कर दिया है, जिसमें CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस, D स्टैंड्स फॉर डिजीज एंड 19 मतलब कि 2019 में ये पहली बार आया था। आप सब में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते हो,
लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों? कर लो ना यार, प्लीज सब्सक्राइब। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अंटिल देन अपना और अपने का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें।